मीठे बच्चे, तुम्हें इस रुद्र यज्ञ का बड़ा कदर होना चाहिए, क्योंकि इस यज्ञ से ही भारत स्वर्ग बनता है। तुम्हें इस ज्ञान यज्ञ के रक्षक हो। रिकॉर्ड चला है, पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। ओम शांति। जिसके साथ बच्चों का अभियोग है, उनकी बाहर मनुष्य महिमा गाते रहते हैं और तुम उनकी याद में बैठे हो। अपन को आत्मा समझे, देह का अभिमान छोड़, एक की ही याद में रहना। अभी तुम आत्मा अभिमानी बने हो और कोई जन्म में आत्मा अभिमानी नहीं बनते। पहले थे देह अभिमानी, और सतयुग में तो तुम बाप को जानते ही नहीं, क्योंकि वहां तो सुख में होते हो, तो बाप वहां याद नहीं रहता। सुख में कोई बाप को याद नहीं करते, कहते भी हैं दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। यहां दुखों में ही तुम पुकारते हो। गायन भी है दुख हरता सुख करता, वास्तव में सच्चा सच्चा हरिद्वार यह है। हरि का द्वार क्या हरण कर लेता है? दुखों को हरण कर लेता है। मनुष्य कहते हैं हरि कृष्ण, कृष्ण को हरि कहते हैं, और वैकुंठ को कृष्ण का हरिद्वार कहते हैं। हरिद्वार में गंगा पहाड़ों से मैदान में आती है, ऊंची स्टेज को छोड़ करके पृथ्वी वासियों का कल्याण करने के लिए मैदान में आती है। तुम जानते हो वास्तव में हरि कृष्ण को नहीं कहेंगे, वो दुखों को हरण करने वाला नहीं है। दुख हरने वाले को हरि कहेंगे। ऐसे क्यों बोला? इसलिए बोला कि कृष्ण की सोल जो संगम युग में अपने शरीर से दादा लेखराज के तन में पार्ट बजाती है, उसके द्वारा प्रैक्टिकल में ये पार्ट नहीं चल पाता कि दुखों का हरण किया हो या सुख का दरवाजा खोला हो, वैकुंठ का दरवाजा खोला। लेकिन वही सोल जब शरीर छोड़ देती है, स्थूल साकार शरीर, तो आकारी शरीर में लंबे समय तक कार्य करते हुए भी
निराकारी स्टेज को भी धारण करती है। कैसे? जो सृष्टि की बीज रूप आत्मा है उसके संग के रंग में आकर निराकारी बीज रूप निसंकल्प पावरफुल स्टेज को धारण करती है और तब एक और एक मिलकर के ग्यारह की शक्ति इकट्ठी हो जाती है। कौन एक और एक? राम और कृष्ण, बाप और दादा, तो तुम जानते हो दुख हरने को हरि कहेंगे। तुम जानते हो शिव बाबा कृष्ण का द्वार अथवा बैकुंठ सतयुग का द्वार खोलने के लिए आया हुआ है। कोई मकान बनाते हैं तो कोई ओपनिंग सेरेमनी करते हैं तो बाबा आया हुआ है हरिद्वार की सेरेमनी करने। ये बीच में चला जाएगा। बाबा आया हुआ किस लिए है? आया है या कृष्ण के संगम युगी तन दादा लेखराज तक ब्रह्मा के तन में आकर के चला गया? आया हुआ है या चला गया है? आया हुआ है। लेकिन हरिद्वार बैकुंठ की सेरेमनी तो नहीं हुई, तो क्या बाबा बीच में ही चला गया क्या? नहीं, बाबा ने तो बोला है मैं तुम बच्चों को साथ लेकर के जाऊंगा। जब तक साथ लेकर नहीं जाऊंगा तब तक यही पार्ट बजाना है। तुम बच्चों के साथ साथ रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे, खेलेंगे, अंत तक तुम बच्चों का साथ निभाना है। तो शास्त्रों में गायन होता है भगवान के साथ का, तो बाबा गया हुआ नहीं है। जो तथाकथित ब्राह्मणों ने गीत बनाए दिए हैं वियोगी गीत कि बाबा चला गया, नहीं, बाबा तो आया हुआ है। ज्ञानी तो आत्मा बच्चों का चयन कर रहा है, इसलिए ये आंख मिचौने का खेल चल रहा है। बाकी बाबा अपना कार्य किए बगैर वापस नहीं जा सकता, उसका कार्य है जो और कोई धर्म पिता नहीं कर सका, नरक को स्वर्ग बनाना। तो हरिद्वार अर्थात बैकुंठ की सेरेमनी करने आया है। कृष्ण की राजधानी में कंस तो होता नहीं है। कहां? कौन से युग में? सतयुग में तो होता नहीं है। तो शास्त्रों में कृष्ण के साथ कंस कहां का गायन है? जरूर संगम युग का गायन है। संगम युग में ही ब्राह्मणों की संगम युगी दुनिया में कृष्ण की राजधानी मथुरा में कंस भी होता है। बाप द्वारा हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। कंस तो कृष्ण के राज्य को नष्ट करने वाला है, नष्ट करना चाहता है। बाप बैकुंठ की सेरेमनी कराते हैं और कंस बैकुंठ का नाश कराता है।
स्थापना को ही सेरेमनी कहा जाता है। मकान का पहला फाउंडेशन लगाया जाता है, फिर मकान बनकर पूरा होता है, फिर सेरेमनी की जाती है। फाउंडेशन लगाना माना ओपनिंग सेरेमनी करना, और बाद में उद्घाटन होता है। तो बाप फाउंडेशन लगाने आया, नई दुनिया के मकान का पहला पत्थर बाप आप करके रखते हैं। जड़ पत्थरों की बात है क्या कि चैतन्य पत्थरों की बात है? ईंटें भी चैतन्य हैं, मकान बनने में कितना समय लगता है? नई दुनिया की स्थापना कर वो नई दुनिया की स्थापना कर पुरानी नरक की दुनिया का विनाश होने के लिए कराने के लिए बाबा आया हुआ है। सिर्फ एक ही काम नहीं है, बाबा के आने का मकसद दो बातों से है खास, पुरानी नरक की दुनिया का विनाश और नई सतयुगी दुनिया नए संगठन का फाउंडेशन डालना, उद्घाटन करना। 1937 में फाउंडेशन लगाया है, क्या बाबा आया तो पहली नींव का पत्थर कब डाला? 1937 में। अब फिर तुम स्थापना कर रहे हो, तुमको खुशी है कि बाबा आया हुआ है, तुमको दुख अनुभव नहीं होता है कि बाबा आकर के बीच में ही चला गया, अब हमारे ऊपर सारा बोझ आ गया। तुम बोझ को अनुभव करने वाले बच्चे नहीं हो, सारा बोझ बाप उठाने के लिए आया है। 63 जन्म बोझ का अनुभव किया, अभी बाप आया है नई दुनिया स्थापन करने, और हम नई दुनिया रूपी मकान में जा रहे, नए संगठन में जा रहे हैं। इस पृथ्वी पर स्वर्ग था, अब फिर से स्थापना कर रहे, हर एक को पैगाम दे रहे हैं। धर्म स्थापक को पैगंबर कहा जाता है ना, तो सच्चा पैगाम मैं ही देता हूं। किसका पैगाम? सच्चा पैगाम तो, लेकिन किसका पैगाम और कौन देता है, किसको देता है? मैं किसने कहा? पैगाम तो कोई दूसरे का दिया जाता है ना, पैगाम लाने वाला पैगाम लाता है, किसी का पैगाम लाता है, तो पैगाम देने वाला एक हुआ, जिसका पैगाम लाया वह एक हुआ, और जिनको पैगाम देता है वो अलग हुआ। तो बोला सच्चा पैगाम मैं ही देता हूं, और कोई धर्म पिता सच्चा पैगाम नहीं देता। क्या है सच्चा पैगाम?
कि सुप्रीम सोल बाप आया हुआ है नई दुनिया रूपी संगठन की स्थापना करने और पुरानी दुनिया रूपी नारकीय रावण राज्य के संगठन का दशमुखों के संगठन का विनाश करने। कौन देता है पैगाम? किसका पैगाम देता है? निराकार शिव ज्योति बिंदु जिसका अपना शरीर नहीं है, अपना मुख नहीं है, उसका पैगाम है। देने वाला कौन है? जिसका मुकर्रर रथ लेता है, उस रथ के द्वारा बोला मैं ही सच्चा सच्चा पैगाम देता हूं, मैं ही राजयोग सिखलाकर स्वर्ग की स्थापना तुम बच्चों से कराए रहा हूं। वह जो राजयोग का विस्तार पढ़ते आए हो वह तो सब है झूठा। कौन सा राजयोग का विस्तार और कौन पढ़ते आए हो? किससे बोला? ब्राह्मण बच्चों से बोला या दुनिया वालों से बोला? ब्राह्मण बच्चों से बोला। तुम जो वह राजयोग का विस्तार पढ़ते आए हो, मोटे मोटे ग्रंथ लिख दिए हैं, राजयोग की विधि और उसमें सांख्य योग कपिल मुनि का भी डाल दिया है, तो पातंजलि योग भी डाल दिया है। बड़े बड़े जो मनुष्य गुरु योगी कहलाने वाले हुए उनका भी सारा सार इकट्ठा कर दिया, तो खिचड़ी इकट्ठी हो गई है शास्त्रों में जो मनुष्यों ने लिखे हैं। वो सारा हुआ विस्तार। तुम वह सब विस्तार पढ़ते आए हो, वो सब है झूठा। क्यों? क्योंकि राजयोग सिवाय एक बाप के और कोई सिखा ही नहीं सकता। अभी बाप राजयोग तुमको सिखाए रहे हैं, तो यहां कोई व्यास थोड़े ही बैठा है। जो गीता बनावे, कोई भी धर्म पिता आकर के धर्म ग्रंथ नहीं बनाता, न लिखता है और न लिखवाता है। वो तो शास्त्रों में लिख दिया है कि गणेश जी ने लिखा और व्यास ने लिखवाया। बाप कोई ग्रंथ न लिखते हैं और न इस समय लिखवाते हैं। बाप तो जो उच्चारण करते हैं वो डायरेक्ट बच्चों के सामने बोलते हैं। तो यहां कोई व्यास नहीं बैठा है जो गीता बनावे, और ऐसे भी नहीं है कि गीता नीचे दब जाएगी फिर बाद में द्वापर में निकल आएगी। क्या कराची में क्या किया? कराची में लिटरेचर को गड्ढा जमीन में खोद करके और मजबूत बक्से में बंद करके रख दिया कि विनाश होने के बाद जब द्वापर शुरू होगा तब फिर ये शास्त्र बनेंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है। कैसी? कि कोई यहां व्यास बैठा हुआ है जो गीता बनाता हो, और ऐसे भी नहीं कि गीता नीचे दब जाएगी
बाद में द्वापर में निकल आएगी? नहीं, अभी तो बाप आकर डायरेक्ट समझाते हैं। कि वेद शास्त्र जो भी है, उन वेद शास्त्रों से मेरे मिलने का रास्ता नहीं मिलता। वो भक्ति मार्ग की झूठी गीता वो तो है ही, उसमें भी लिखा हुआ है कि मैं वेद शास्त्र पढ़ने से नहीं मिलता। ये सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। भक्ति मार्ग की बहुत लंबी चौड़ी सामग्री है, जन्म जन्मांतर से तुम भक्ति करते आए हो। वो सुनने के संस्कार पड़े हुए हैं। जिस भी मनुष्य गुरु ने जो सुनाया, सत्य वचन महाराज, तुम्हारी बुद्धि का ताला तो खोला ही नहीं। मैं आकर तुमको आत्मा ज्योति बिंदु का परिचय देता हूं। ज्योति बिंदु परमात्मा सुप्रीम सोल बाप का परिचय देता हूं। उस बिंदु को याद करने से, सूक्ष्म को याद करने से तुम्हारी बुद्धि सूक्ष्म बनती है। उन मनुष्य गुरुओं ने तो मूर्तियों को और पत्थर के लिंग को याद करना सिखाया। पत्थरों को याद करते करते तुम्हारी बुद्धि पत्थर बन गई। अब मैं तुम्हारी बुद्धि का ताला खोलता हूं। बेसिक नॉलेज में क्या सिखाया? मैं आत्मा ज्योति बिंदु, मुझे आत्मा का बाप भी ज्योति बिंदु। तो बिंदु को जो याद करते हैं उनकी बुद्धि कैसी बनेगी? जड़ बुद्धि बनेगी या चैतन्य बनेगी? चैतन्य आत्मा को याद करेंगे तो चैतन्य बुद्धि बनेगी, सूक्ष्म को याद करेंगे तो सूक्ष्म बुद्धि बनेगी, ज्योतिर्मय बिंदु को याद करेंगे तो ज्योतिर्मय बिंदु बुद्धि बनेगी। तो मैं आकर तुम्हारी बुद्धि का ताला खोलता हूं। भक्ति मार्ग की तो बहुत लंबी चौड़ी सामग्री बनाई दी है। जन्म जन्मांतर से तुम भक्ति करते आए, तो अब तुम ज्ञान सुनो। अनेक मनुष्य गुरुओं से भक्ति आती है, माना भक्ति आती है दस सिर वाले रावण से, और ज्ञान आता है एक बाप से। फिर सतयुग में तुम ज्ञान नहीं सुनेंगे। कहा जाता है ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। सतयुग में अंधकार रहता ही नहीं जो भक्ति करे। अभी ज्ञान जिंदाबाद होता है। ज्ञान माना जानना, जानकारी, सच्ची जानकारी को कहते हैं ज्ञान। जो सच्ची बात जानते हैं वही है जानता पार्टी। अज्ञानता पार्टी नहीं। कैसी पार्टी? जानता पार्टी। सच्चाई को जानते हैं। तो ज्ञान जिंदाबाद होता है और भक्ति मुर्दाबाद होती है। भक्ति से अज्ञान आता है। बाप से ज्ञान लो फिर भक्ति रहेगी नहीं।
इसलिए बाप कहते हैं कि कोई को भक्ति करने के लिए सीधा सीधा मना मत करो, क्या करो, उनको ज्ञान सुनाते जाओ। जब ज्ञान जानकारी पूरी बुद्धि में बैठेगी तो अज्ञानता स्वतः ही उड़ जाएगी, भक्ति के कर्म कांड से बुद्धि उखड़ जाएगी। तुम जानते हो रावण राज्य किसको कहा जाता है और राम राज्य किसको कहा जाता है, किसको कहा जाता है, अनेकों संगठित बुद्धि रूपी सिरों के द्वारा जो शासन चलता है उसे कहा जाता है रावण राज्य, और एक जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हीरो पाटधारी है उसके शासन से जो राज्य चलता है उसे कहा जाता है राम राज्य। अभी तुमको सारी रोशनी मिली क्योंकि बाप आकर के जगाते हैं। क्या सारी रोशनी कब मिलती है? जब चंद्रमा उदय होता है रात को तब मिलती है, या रात सुबह को सूर्य उदय होता है और सब जागते हैं तब मिलती है, घोर सोझरा कब होता है और घोर अंधेरा कब होता है? घोर सोझरा होता ही तब है जब सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु सूर्य देवता के द्वारा प्रत्यक्ष होता है। तो बाप आकर के जगाते हैं। अभी देखो दीपावली आ रही है, कौन सी अवली आ रही है? अवली मन कतार, ज्ञान के जो दीपक जगे हुए होंगे किसके द्वारा जगते हैं? दीपावली मनाते हैं तो पहले एक बड़ा दीपक जलाते हैं, उसको कहते हैं धर्मराज का दिया। किसका दिया? धर्मराज का दिया जगता है सबसे पहले, और उससे फिर छोटे छोटे ढेर सारे दीपक जगाए जाते हैं। तो देखो दीपावली आ रही है तो दीपक कोई छोटे बनाते हैं कोई बड़े बनाते हैं। आप भले छोटे बड़े दीपक जग रहे हैं, अभी ज्ञान का घृत खा रहे हैं, वो दुनिया में तो है हद की बातें और तुम्हारी है बेहद की बातें। कि जब रावण राज्य शुरू होता है तो ठोकरें खाना शुरू होती है। अभी दिन प्रतिदिन भक्त और ही जास्ती ठोकरें खाते रहेंगे। कौन से भक्त? जो राम बाप को नहीं जानते, मनुष्य गुरुओं की ही मत पर चलते हैं, ऐसे भक्त कोई बाहर की दुनिया में ही नहीं है। ब्राह्मणों की आधार मूर्त बेसिक नॉलेज में भी है तो एडवांस नॉलेज में भी है। क्या तो उल्टा बुद्धि में बैठ जाए? ऐसे जो भक्त हैं जो अनेकों की मत पर चलने वाले हैं वो दिन प्रतिदिन और ही जास्ती ठोकरें खाते रहेंगे। अभी भी खाते रहते हैं,
करते हैं। अब तो मनुष्यों की तिवाते की भी भक्ति करते रहते हैं। भक्ति की बहुत सामग्री है। जितनी वृक्ष की सामग्री है उतनी भक्ति की सामग्री है। एक छोटे से बीज से कितना बड़ा वृक्ष निकलता है। भक्ति भी इतनी है। ज्ञान है बीज। ये सृष्टि तो अनाद अविनाशी है। इस सृष्टि का कब विनाश नहीं होता। जैसे आत्माओं का विनाश नहीं होता, आत्माओं के पार्ट का विनाश नहीं होता, परमात्मा बाप अविनाशी है, वैसे ये सृष्टि भी अविनाशी है। यह सृष्टि चक्र है, चक्र लगाती ही रहती है। बीज भी एक है तो झाड़ भी एक है। ऐसे नहीं आकाश में, पाताल में, सूर्य में और चांद में कोई दुनिया है। वो वैज्ञानिक क्या समझते हैं? उन्होंने शास्त्र पढ़े हैं, शास्त्रों में लिखा है कि चंद्रमा में देवता रहते हैं, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने चंद्रमा पर चक्कर काटना शुरू कर दिया। वहां क्या मिला? कुछ मिला क्या? कोई प्राप्ति हुई क्या? कोई प्राप्ति? बाप तो पहले ही बता दिया कि और जितने भी ये जड़ ग्रह उपग्रह हैं वो सब सूर्य से कोई बहुत दूरी पर है, कोई बहुत नजदीक है। जीवन जीने के लिए एक निश्चित दूरी चाहिए सूर्य से। पृथ्वी पर ही देखो, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, थोड़ी दूरी बढ़ जाती है तो वहां कोई जीव जंतु नहीं है। तो और दूसरे ग्रह उपग्रह तो पता नहीं कितने दूर हैं और कितने नजदीक हैं। वहां जीवन होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ एनर्जी। विज्ञान का एक बड़ा हिस्सा वेस्टेज में चला जाता है। मनुष्य की प्राप्ति मनुष्य की फायदे के काम में कम आता है, और जो काम में आता भी है वो बड़े बड़े लोगों के ज्यादा काम आता है। जो साधारण जनता है वो फिर भी दुखी की दुखी ही रहती है। तो बाप कहते हैं इन ग्रह उपग्रहों में, सूरज चांद सितारों में जो जड़ है उनमें कोई दुनिया नहीं है। ये तो धरती के चैतन्य सितारे, ज्ञान सितारे, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सूर्य हैं। जहां एक एक दुनिया बसी हुई है, हर सितारे की अपनी एक दुनिया है। कौन से सितारों की? जो 9 लाख चमकते हुए सितारे हैं, भगवान बाप के गले का हार बनते हैं, 9 लखा हार कहा जाता है। ये तो साइंस वाले चंद्रमा में जाकर रहने की कोशिश करते हैं, परंतु वो ये नहीं जानते कि साइंस से सारी दुनिया का विनाश होना है। क्या कहा?
वो तो बाहर की दुनिया वाले साइंसदान हुए जो जड़ चंद्रमा पर जाकर के ठहरने की कोशिश करते हैं, लेकिन चैतन्य ब्राह्मणों की भी दुनिया है, वहां भी ऐसे साइंसदान हैं, निराकार की याद में सिर्फ टिकने की कोशिश करते हैं। बुद्धि को तो बहुत सूक्ष्म बना लिया है, लेकिन विचारों को प्राप्ति कुछ भी नहीं होने वाली। बाप कहते हैं मैं बुद्धिमानों की बुद्धि हूं, बुद्धि का अहंकार मेरे को प्रिय नहीं है। बुद्धि वाले बच्चे बाप को प्रिय नहीं है, दिल वाले बच्चे बाप को प्रिय हैं। तो उस हिसाब से बुद्धि और भावना दोनों का बैलेंस चाहिए। ऐसे ऐसे साइंसदान हैं जो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा के बुद्ध रूपी पेट में कहो या गोद में कहो प्लाट खरीद के रहना चाहते। वो जानते नहीं है कि इस साइंस से सारी दुनिया का विनाश होगा। भावनाहीन बुद्धिवादिता एटमिक एनर्जी तैयार करती है। उस एटमिक एनर्जी से दुनिया का भी विनाश हो जाता है और उन यादवों का अपना भी विनाश हो जाता है। वो है स्थूल एटम बम और ये है सूक्ष्म बम, ग्लानी के बम। परमात्मा बाप की भी ग्लानी करते हैं, चूकते नहीं। तो वो ग्लानी के बम्ब छोड़ते हैं, दुनिया का विनाश करेंगे, अपना भी विनाश करेंगे और राज्य तुम ले लेंगे। तुम कहेंगे यह भी ड्रामा में नूद है क्या कि सारी दुनिया खलास हो जाएगी और हम बच जाएंगे। मिरुआ मौत मनु का शिकार 18-10-92 की मुरली का दूसरा बी। तुम इन बातों को समझते हो, दूसरे कोई इन बातों को समझेंगे नहीं। दूसरे कौन? दूसरे वो जिन्होंने बाप को नहीं पहचाना, अर्थात जिन्होंने एडवांस कोर्स नहीं उठाया, बाप का पूरा परिचय नहीं लिया, वह दूसरे इन बातों को समझेंगे नहीं। माने दूसरे धर्म पिताओं के जो बच्चे होंगे वो इन बातों को नहीं समझेंगे। जो कन्वर्टेड हुए हैं, पहले शुद्ध भारतीय थे, भारतीय धर्म के थे, बाद में कन्वर्ट होकर के दूसरे धर्मों में दूसरे देशों में जाकर गिरे हैं, वो फिर भी समझ सकते हैं। तो राजाई तुमको मिलनी है। बाप आए ही है राजयोग सिखा करके नंबर वार राजाई देने। राजाई का कनेक्शन है कृष्णपुरी और क्रिश्चियन
भूमि का कनेक्शन है। अभी दुनिया की राजाई किसके हाथ में है? सारी दुनिया की राजाई क्रिश्चियंस के हाथ में है। जैसे चाहे वैसे नचाए सकते हैं, नचाए रहे हैं। जिसको चाहते हैं डाउन करते हैं और जिसको चाहते हैं ऊपर उठाए देते हैं। तो कृष्णपुरी और क्रिश्चियनपुरी का ये कनेक्शन है, राजाई लेने और राजाई देने के लिए। इन्होंने भारतवासियों को आपस में लड़ाकर कृष्णपुरी को क्रिश्चियनपुरी बनाया है। क्या इन्होंने माने किन्होंने? तथाकथित ब्राह्मण, तथाकथित ब्राह्मण कृष्ण के फॉलोअर्स ब्राह्मणों ने क्रिश्चियंस की और कृष्ण की राशि मिलाई जाती है। इसीलिए कृष्णपुरी को क्रिश्चियनपुरी बनाया है। कृष्ण ने नहीं बनाया है, राम और कृष्ण के जो भगत हुए हैं उनकी बात है। राम के भक्त रहीम के बंधे हैं ये सब आंखों के अंधे। ये भक्ति ही नीचे गिरना सिखाती। चाहे कृष्ण के भक्त बने चाहे राम के भक्त बने, अगर शिव ज्योति बिंदु बाप को बीच से निकाल लिया तो नीचे गिरेंगे और दूसरों को भी नीचे गिराएंगे। तो इन कृष्ण के उपासकों ने, इन क्रिश्चियंस के क्राइस्ट के उपासकों ने भारतवासियों को आपस में लड़ाकर कृष्णपुरी को क्रिश्चियनपुरी कहो अथवा कंसपुरी कहो बनाया हुआ है। कंस की परिभाषा बताई है, कन्याओं को कोसने वाले को कंस कहा जाता है। कंस ने क्या किया? कन्या का जन्म हुआ और उसे पर पटकने की कोशिश की। अभी बाप कहते हैं हिसाब लेना है, अभी इनको आप ऐसी बनता बच चुकी है और तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। वह आपस में लड़ेंगे जरूर, अभी तो तुम्हारे ऊपर हमले हो रहे हैं, लेकिन तुम्हारा रक्षक तो बाप है, तुम्हारा कुछ बिगड़ेगा नहीं, तो आपस में ही लड़ पड़ेंगे। वह समझते हैं हम पहलवान हैं। वो अपन को पहलवान समझते हैं, हम जीतेंगे, लेकिन सबसे पहलवान तो तुम निकल पड़े हो। तुम्हारा मुकाबला दुनिया में कोई नहीं कर सकता। जब बेसिक नॉलेज निकली तो बहुत तीव्र गति से संसार में फैल गई। जो भी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बने उनको कन्वर्ट करने की दुनिया के किसी धर्म वाले में ताकत नहीं जो उनको कन्वर्ट कर सका हो। अब
से प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी निकले हैं।